मैं ये सोच रहा था कि जब इंडिया गठबंधन की बात होनी शुरू हुई तो हमारे मीडिया के लोग कहते थे कि ये लोग एक साथ नहीं आएंगे, बातचीत होती रहेगी मगर ये लोग एक साथ आ नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए और मीडिया के जो साथी कैमरा लेके बैठे हैं वो भी देख लें, सारे साथ हैं। चुनाव अनाउंस हो गया, सब साथ हैं। अब सोचे कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सामने लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे यहां कहते हैं लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ना जरूरी है क्योंकि अब लड़े बिना काम नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, जैसे राजा की दान जान तोते में थी, वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है। तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का, इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा तो ईवीएम हारेगी। बाद में ईवीएम को खत्म भी करेंगे मगर इस बार ईवीएम को हराने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। और अगर 10% पे मनी मशीन सेट है तो 20% फालतू लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा। डालेंगे वोट? डालेंगे। लड़ना जरूरी है, लड़े बिना काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, मगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। जनता तक बात कैसे पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे बाद जब बड़े बड़े नेता यहां पे आए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सबको अपना फोन, उसमें फेसबुक को खोलना पड़ेगा, फेसबुक को लाइव पे चलाना पड़ेगा और सबको फेसबुक लाइव करना पड़ेगा, तो घर घर पर बात पहुंचेगी वरना नहीं पहुंचेगी। ये बहुत जरूरी है। मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी हैं 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। एक मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा, मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है, इतना दिखाता है, इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने यूट्यूब देखना सिखा दिया और मैं जब घर जाता हूं वो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं। कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को YouTube वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।